दोस्तों, क्या आपका भी मोबाइल हैंग करता है और आपका डाटा जल्दी ख़त्म होता है? तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपके मोबाइल की कुछ सेटिंग्स जिनके वजह से आपका मोबाइल हैंग करता है और आपका डाटा जल्दी ख़त्म हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये करना ही बहुत आसान है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजू, स्वागत करता हूँ राजू न्यू टेक्निकल चैनल में। दोस्तों, अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत काम की ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और फिर से हमारे पिछले वीडियो नया यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, अगर नहीं देखे होंगे तो इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे वीडियो का लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे वीडियो पर जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं प्ले स्टोर में। और फ्रेंड्स, प्ले स्टोर का नाम सुन के आप ये मत सोचिएगा कि हम कोई ऐप इंस्टॉल करने वाले हैं, हम प्ले स्टोर के सेटिंग्स में जाने वाले हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये सेटिंग आप ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सेटिंग्स आपको आपके फ़ोन को हैंग होने से बचा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप प्ले स्टोर खोलने के बाद आपके सामने प्ले स्टोर का मेन्यू खुल जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे थ्री डॉट जो दिख रहा है कोने में, इस पर हम क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो फ्रेंड्स, हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा है हमको सेटिंग्स का बटन, सेटिंग्स दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने दूसरा पेज खुल जाएगा। और फ्रेंड्स, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया है ऑटो अपडेट्स ऐप, ऑटो अपडेट ऐप्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम ऑलरेडी अपने मोबाइल में सेटिंग्स करके रखे हुए हैं डोंट ऑटो अपडेट्स ऐप। फ्रेंड्स, इससे ये होता है कि जो हम मोबाइल में अपना ऐप यूज कर रहे हैं वो अपने आप अपडेट नहीं होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ जो ऊपर वाला ओवर एनी नेटवर्क, तो फ्रेंड्स इस पे आप टिक लगा देंगे, या लगा होगा आपको तो इस पे हटा दीजिएगा, नीचे वाले पे आप टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि इस पे रहने से ये होता है कि आपका जो मोबाइल में ऐप चल रहे हैं, आप ऐप यूज कर रहे हैं, वो अपने आप अपडेट होते रहते हैं और आपका डाटा जल्दी ख़त्म होता है। और जो डाटा ख़त्म होता है वो आपके मोबाइल में स्टोर होता रहता है, आपके जो फ़ोन का मेमोरी होता है उसमें स्टोर होता रहता है, और आपके फ़ोन का मेमोरी भर जाता है और तभी आपका मोबाइल हैंग करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके इस पे होगा तो आप यहाँ पे डोंट ऑटो अपडेट्स पर क्लिक कर दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा और इसको डन कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये सेटिंग्स करने से आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा और आपका डाटा भी बचेगा, क्योंकि आप जितना यूज करेंगे उतना ही यूज होगा, एक्स्ट्रा डाटा आपका यूज नहीं होगा। और फ्रेंड्स, दूसरा सेटिंग है आपके मोबाइल के, ये पूरा कट कर देंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स, जो मल्टीप्लेट टास्क खुलता है, तो फ्रेंड्स मल्टीप्लेक्स टास्क हमारे रैम पर, हमारे रैम को यूज करता है, जो हमारे रैम का, जो हमारा मोबाइल का रैम होता है जिससे हमारा मोबाइल रनिंग करता है, चलता है। तो फ्रेंड्स, वो मल्टीप्लेक्स टास्क जो होता है वो हमारे रैम का यूज करता है। तो फ्रेंड्स, उसको हम कैसे ठीक करेंगे? तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे दिन भर में देखिए, चल यहाँ पे क्लिक कर देंगे कोने में, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप दिन भर जितने ऐप चलाते होंगे, जितने साइट खोले होंगे, और बार बार आप कट कर देते, पूरा थोड़ा थोड़ा कट नहीं करते, डायरेक्ट कट कर देते हैं, तो वो इधर मल्टीप्लेक्स टास्क इसको बोलते हैं। ये खुल के आपके मोबाइल में रहता है, जैसे आप कुछ वीडियो देख रहे हैं या यूट्यूब खोले हैं या फेसबुक खोले हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट कट कर देते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके कट नहीं करते, डायरेक्ट कट कर देते हैं, तो आपका डाटा यहाँ से भी यूज होता है क्योंकि ये चालू है साइट से। तो फ्रेंड्स, इसको भी हटा देंगे हम, देखिए हट रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे करके रखिएगा और आपका डाटा भी बचेगा और आपका मोबाइल भी हैंग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।